गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा चैप्टर है 1 नंबर एनुमरेशन। ये लास्ट टाइम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको 1.3 तक करवा दिया था, अब हम उससे आगे करेंगे। आज है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। हमने हिंदी प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ लिया था, आज हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ेंगे। हमने जो है पहले वाला इंडियन तरीके से पढ़ा था, अब हम इंटरनेशनल वे में पढ़ेंगे। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज़ फॉलोड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज द वर्ल्ड। इन दिस सिस्टम आल्सो नंबर इज स्प्लिट अप इनटू ग्रुप्स और पीरियड्स। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट द ग्रुप आर कॉल्ड वंस थाउजेंड मिलियंस। द वंस इन टर्न आर स्प्लिट इनटू हंड्रेड्स टेंस एंड वंस। इसमें जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या चार्ट में क्या होता है, ये भी जो है मतलब राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड ही होता है, वंस थाउजेंड मिलियंस। इसमें भी क्या, इसमें क्या होता है, इसमें तीन तीन का ग्रुप होता है। आपने याद है लास्ट टाइम हमने जब इंडियन वाले में पढ़ा था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो उसमें क्या था राइट हैंड से राइट साइड से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें क्या था थ्री मतलब पहले थ्री ग्रुप्स बने थे, फिर बाकी जो है बाद में टू टू के हमारे ग्रुप्स बने थे। तो पहले वंस है तो वंस टेंस हंड्रेड, अब थाउजेंड में थाउजेंड, टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन में मिलियन, टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन। ठीक है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम हमेशा थ्री थ्री का ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ऑब्जर्व दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट वी ग्रुप थ्री डिजिट एट अ टाइम। मैंने आपको बताया था ये थ्री डिजिट एट अ टाइम। वाइल रीडिंग इन दिस सिस्टम द फर्स्ट थ्री डिजिट आर रीड टूगेदर द सक्सेसिव थ्री डिजिट ऑन द लेफ्ट आर रीड विद द नेम ऑफ द पीरियड। अब माना हमारे पास ये नंबर है, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे वन स्टैंड हंड्रेड, फिर थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, फिर मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन। तो 586 मिलियन हो गया, फिर 304,921। अब देखोगे 586 मिलियन 304,921। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। अब देखो इसमें लिखा है ना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, वी इंसर्ट कॉमा और लीव अ शॉर्ट स्पेस आफ्टर ईच पीरियड इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर लुक ऑफ पीरियड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। एग्जांपल वी राइट एज, देखा इसमें तीन तीन का ग्रुप ले रखा है, जबकि वो जो हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ते थे उसमें पहले थ्री का राइट साइड से फिर टू टू का ग्रुप लिया गया था। अब देख एग्जाम्पल वन, अरेंज द डिजिट ऑफ दिस नंबर इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। वंस टेंस मिलियन, वंस थाउजेंड्स मिलियन, हमें थ्री मतलब हमें कॉलम बनाने, फिर उसमें थ्री तीनों में भी हर में तीन तीन, वंस टेंस हंड्रेड, वंस में थाउजेंड में थाउजेंड, टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन में मिलियन, टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन। तो आप देखोगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, फिर मिलियन, टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन। तो आप हंड्रेड मिलियन की जगह फोर, टेन मिलियन की जगह एट, मिलियन की जगह फोर, फिर हंड्रेड थाउजेंड की जगह फाइव, टेन थाउजेंड की जगह सेवन, और थाउजेंड की जगह एट, हंड्रेड की जगह फोर, टेंस की जगह टू, और वंस की जगह ज़ीरो। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। आपको क्या बोला है, इन सबको इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू लिखना है। अब हम काउंट करेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, फिर मिलियन। तो नाइन मिलियन फोर हंड्रेड ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी सिक्स, देखा यही लिखा है, नाइन मिलियन फोर हंड्रेड ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी सिक्स।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं रोमन न्यूमरल्स। आज हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब रोमन न्यूमरल्स के बारे में हम देखेंगे। वी नो दैट देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी रोमन न्यूमरल्स। दिस सिंबल्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर गिवन इन द टेबल। अब रोमन सिंबल्स ये दे रखे हैं हमारे, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हमारे ये दे रखे हैं, जो 1, 2, 3, 4 हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं। रोमन न्यूमरल्स में हमारे ये सिंबल्स होते हैं। अब आपको काउंट करना है रोमन सिंबल्स कितने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने होते हैं, 7 होते हैं हमारे। कितने होते हैं, 7। आई, 1 के लिए आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, 1000 के लिए एम। अब हम इन्हीं सिंबल्स के से क्या करते हैं, इन्हीं सिंबल्स से जो है और नंबर्स का और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स का हम रोमन सिंबल में उनको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि रूल 1 है, रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। अब रिपीटेशन होगा मतलब किसी भी रोमन न्यूमरल्स का अगर रिपीटेशन होगा तो इसका मतलब क्या है, वो सब ऐड हो रहे हैं। माना हमने 2 का, तो उसमें II दो बार आया, तो मतलब इसको जब आई की वैल्यू क्या होती है, 1, 1+1, 2, समझ में आ गया। अब 3 टाइम्स आई आएगा तो इसका मतलब 3 होगा। अब होगा डबल एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या है, 10, तो उसमें क्या बोला, ऐड होगा, तो 10+10, 20। ट्रिपल एक्स मतलब 30। अब देखोगे, नोट करना है यहाँ पे, आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड, वी एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड। V, L और D जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, जबकि I, X, C और M जो है वो हमेशा रिपीट हो सकते हैं। नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। और कोई भी न्यूमरल जो है वो रोमन सिंबल मतलब रोमन सिंबल जो है कभी भी जो है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो। नेक्स्ट के हमारा रूल 2, व्हेन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर और द सेम नंबर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ अनदर सिंबल इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ दैट सिंबल। अब इसमें क्या बोला है कि हमारे जो माना कि दो हमारे पास रोमन सिंबल्स दे रखे हैं और माना कि यहाँ पे 6 है, इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट वैल्यू है वो हमारी क्या है, आई है, और लेफ्ट की वैल्यू क्या है हमारी, वी है। तो वो क्या, आई 1 होता है, वी 5 होता है, तो क्या राइट टू लेफ्ट, अगर राइट में वैल्यू कम है लेफ्ट में ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। जैसे कि आई 1 है और वी क्या है 5, तो यहाँ पे क्या बोला है, इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐड होके वैल्यू क्या आएगी, 6। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल 3 है, व्हेन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर नंबर इज रिप्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ अनदर सिंबल इज इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दैट सिंबल। अब मैंने आपको जो रूल 2 पढ़ाया था उसका अपोजिट है। यहाँ पे राइट वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और जो लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है वो कम है, क्योंकि V की वैल्यू क्या होती है, 5, और यहाँ पे I की वैल्यू 1, तो इट मींस क्या होगा, यहाँ पे V में से जो है 1 जो क्या है वो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे 5-1 तो इसकी वैल्यू क्या आई, 4। अब यहाँ नोट करने वाली चीज़ क्या है, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X ओनली। जो I जो सिंबल है हमारा वो हमेशा V और X से ही सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी किसी और नंबर से नहीं होगा। द सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। जो सिंबल है हमारा V, L और D जो है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल, V X X इज मीनिंगलेस। इसका क्या, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि V इज नॉट रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ X, क्योंकि V जो है कभी भी जो है X के लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जाता है। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C। X जो है हमेशा वो सब्ट्रैक्ट किससे हो सकता है, L और C से ही हो सकता है। रूल 4 क्या है, फॉर नंबर्स बियॉन्ड 10 वी फर्स्ट राइट द नंबर इन ग्रुप्स ऑफ टेंस एंड फर्स्ट एंड देन फ्रॉम द रोमन न्यूमरल्स कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन नंबर। अब जो नंबर बोला है, अब जो भी नंबर जो 10 के जो बाद आते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है हमेशा 10 और 1 का जो है मतलब उसके जो रोमन जो हमारे जो सिंबल्स है उसका यूज होगा। जैसे 11 है तो उसमें क्या है, 10+1, तो 10 की वैल्यू क्या है, x है, i की वैल्यू 1, तो क्या इसमें क्या
टेन और वन की वैल्यू मतलब रोमन न्यूमरल किसका यूज हुआ है, एक्स और आई का, मतलब इसमें टेंस और वंस, मतलब कि जैसे फाइव हो, टेन हो गया, फिफ्टी हो गया, हंड्रेड हो गया, फाइव हंड्रेड हो गया, थाउजेंड हो गया, तो इन सब के सिंबल्स जो है हमारे यूज होंगे। ये हमारी बुक एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। अब हम इससे रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। आ डेट 30 जून 2021 है, डे हमारा वेडनेसडे, होमवर्कशीट 15, सब्जेक्ट मैथ्स, नंबर एंड न्यूमरेशन से रिलेटेड ये हमारी वर्कशीट है। फर्स्ट है, रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स विथ प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, आप राइट टू लेफ्ट जाओ, हमेशा तीन तीन ग्रुप छोड़ करके कॉमा लगाते जाओ। तो मैंने देखा यहाँ पे थ्री थ्री ग्रुप के बाद क्या है, हमारा कॉमा लगा है। नेक्स्ट है, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग इन इंटरनेशनल सिस्टम। आपको क्या करना है, इन सबको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो मैंने क्या किया, इसमें से दो लिए, जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, तो 9,204,651, इसको ऐसे लिखेंगे हम। नेक्स्ट है जे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10,000,000, 100,000,000, तो 686,654,134 जो है इसका आंसर होगा। राइट द फॉलोइंग इन फिगर, 10,040, तो 10,040, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.5, फिलिंग द ब्लैंक्स, द सिंबल्स आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड नॉट मोर देन थ्री टाइम्स। इन सब सिंबल्स को हम थ्री एक तीन बार ही यूज़ कर, मतलब रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दे आर सेवन सिंबल्स इन रोमन न्यूमरेशन सिस्टम। जब रोमन सिंबल्स हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था सेवन सिंबल्स होते हैं। द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स। आई जो सिंबल है वो वी और एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। एक्स एल आई एक्स स्टैंड्स फॉर इसका, ये जो इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी इंडियन में, 49। वन अ स्मॉलर सिंबल इज रिटन बिटवीन टू बिगर सिंबल, इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर ऑन इट्स राइट। जब एक स्मॉलर सिंबल, वहीं पे दो बिगर सिंबल्स होंगे, तो जो उसके राइट में जो बिगर वाला सिंबल होगा उससे वो सब्ट्रैक्ट होगा। द सिंबल्स वी एल एंड डी आर नेवर रिटन ऑन लेफ्ट ऑफ अ सिंबल विद ग्रेटर वैल्यू। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। ये देख सकते हो, इनको मैंने रोमन न्यूमरल्स में लिखा है, ये भी आप खुद ही करोगे। नेक्स्ट, ये राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ये मैंने लिख लिया है, आप देख सकते हो कैसे लिखा है, ये भी आप खुद ही करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, ए सी डी ई जी एंड जे आर मीनिंगलेस। मतलब इनमें से किसकी वैल्यू, मतलब इनमें से कौन जो है जिसका कोई मीनिंग, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं निकलती है। तो उसमें से जो ए सी डी ई जी और जे जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं निकलती। कंपेयर बाय यूजिंग, आपको ग्रेटर और स्मॉलेस्ट बताना, तो इसमें 11 है, ये 9 है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, 11। नेक्स्ट है, राइट अ नंबर बिटवीन 1 to 100 रिटन इन रोमन न्यूमरल्स विच यूजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल, हाउ इज इट रिटन इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इसमें से जो है हमारी जो ये वाली जो रोमन सिंबल है, जो हमारा 88 है, ये जो है सबसे मतलब मैक्सिमम जो है इसमें सिंबल्स का यूज होता है, और उसका जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है वो 88 होगा। ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है, और ये चैप्टर भी हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।